हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ऑल इन पवन वाग अकेडमी टूडे आज हम क्या करेंगे हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे आज तो आज हम अगेन एम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स से प्लांट्स के बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एम लिए तो आज हम लेंगे एनिमल्स के तो अब हो सकता है अगेन मैंने आपको कर, इसके पहले वाले लेक्चर में भी यही बोला कि हो सकता है ये सॉल्व करने से या आपको कुछ हेल्प करे या फिर हो सकता है ये भी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर ना हो वो हो जाए ये सॉल्व करते करते तो हम ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें ये कम टाइम में करना है ताकि आपको भी वक्त मिले आगे सेल्फ स्टडी के लिए देखिए अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बोला था आपको क्या करना है हमेशा वेन एवर यू आर सोल्विंग एम जब आप एमसीिक्यूज सॉल्व करते हो तब आपको एक बात पूरी तरह आपके दिमाग में फिट करके रखनी है कौन सी कि आपको क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ना है जब तक आप क्वेश्चन अच्छे से ना पढ़ो वो आपको अच्छे से नहीं समझेगा और जब तक क्वेश्चन नहीं समझेगा यू आर नॉट एबल टू आंसर इट आप उसे आंसर नहीं कर पाओगे अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले कॉडा इपिड अब ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और वो जो है किसका पार्ट है अगेन का है ओके okay? और वो जो कॉडा इपिटीडायमिस है वो कहां पे लीड्स टू लीड्स टू का मतलब वो कहां जाके ओपन होने वाला है तो वो ओपन कहाँ पे होगा देखिए अब ये जो पार्ट है ये पार्ट तो टेस्टिस के पास ही है बट वो ओपन होगा टेस्टिस में कि नहीं वो ओपन टेस्टिस में नहीं होगा टेस्टिस के पास में है बट वो टेस्टिस में नहीं ओपन होगा इसलिए ये वाला नहीं है ओके okay? ये वाला रॉन्ग है फिर उसके बाद ये वाला जो कॉडा इपिडिडाइमिस है वो अगेन कहाँ पे ejaculatory डक्ट में भी ओपन नहीं होने वाला क्योंकि तो अब उसके पास क्या है मैच तो नहीं है अब तक तो यहाँ पे भी वो ओपन नहीं होगा फिर बात करते हैं वासा difference और वासा और ये दोनों में तो पक्का नहीं है इसलिए दोनों को हमने पहले ही कट कर दिया अब इन दोनों में क्या होगा अगेन आपका कंफ्यूजन होगा क्योंकि देखिए थोड़ा सा नाम सेम है वासा वासा बस इतना फर्क है यह है इफरेंस ये है बट इसका आंसर है वासा डिफरेंस. यहां पे में में इस में, ओपन नहीं होगा बल्कि वो ओपन कहां पे होगा? होगा? में क्या ओपन होगा? का पार्ट जो है, यहां पे आके वो खुलेगा इसीलिए इसका आंसर क्या है वासा डिफरेंस अब नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड देखिए अभी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में असेसरी और दूसरी भी थी फिर यहाँ पे के अंडर। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना ये डायरेक्ट तो क्वेश्चन right पे टिक करोगे देखिए अभी यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंगसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड किसमें पूछा है मेल मैमल्स में तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड तो एक्चुअली पार्ट है ही नहीं किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्योंकि ये पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का तो ये आएगा ही नहीं उसके बाद इंग्यूनल ग्लैंड ये भी नहीं आएगा इसे भी हमने नहीं देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मशरूम सेप्ड ग्लैंड इसे भी नहीं आना है यहां पे तो असेसरी ग्लैंड कौन सी है प्रोस्टेट ग्लैंड इसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था किसके अंदर असेसरी ग्लैंड के अंदर थी प्रोस्टेट ग्लैंड इसीलिए इसका आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में पूछा है ओके okay, तो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड अब आगे बढ़ते हैं देखिए अगेन क्वेश्चन देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है एकदम इंटरेस्टिंग है और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे राइट right ऑप्शन पे क्लिक करना आपको एकदम इजी होगा बट कब जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो अब देखिए वापस यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनिशिएट्स देखो हार्मोन्स के बारे में पता करना है और वो क्या कर रहे हैं इनिशिएट कर रहे हैं स्टिम्युलेट कर रहे हैं कौन से प्रोसेस को पार्चुरेशन को ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पार्चुरेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा या हेल्प करेगा या स्टार्ट करेगा अब देखिए हमें क्या करना है स्टार्टिंग के वक्त कौन से हार्मोन्स थे कौन से हार्मोन्स थे देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था पार्चुरेशन में कि जो भी सबसे पहले देखते हैं कौन से कौन से हार्मोन्स थे हमने एसीटीएच देखा था एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो सिक्रिट हो रहा था कहां से फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके बाद वो प्लासेंटा की तरफ जा रहा था वो कब आ, आ, सिक्रिट हो रहा था जब जो फीटस है वो अगर स्टिम्युलेट करे किसे प्लासेंटा को और फिर वो सिग्नल देगा कि अब सिक्रेशन किसका होने वाला है ए सी टी एच का मतलब देखिए अब यहाँ पे ए सी टी टी एच कहाँ पे है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे, पे भी है सब जगह पे एसी टी एच है इसलिए अब तक हमें ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि कौन सा आंसर है फिर अगेन पार्चुरेशन में अगेन मेन हार्मोन पार्चुरेशन का मेन हार्मोन हमेशा याद रखिए कौन सा है ऑक्सीटोसिन तो अगेन देखिए अब ऑक्सीटोसिन यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है फिर कौन सा आएगा इन दोनों में अब कंफ्यूजन है अब देखिए अगेन अब ये दोनों हार्मोन्स तो हमारे क्लियर हो चुके हैं एसी और ऑक्सीटोसिन एसीटीएच और

प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में ही आपको ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिकोरेडोट्रोपिक हार्मोन दिख रहा था जो आ, अगर स्मियर लेंगे उसके अंदर भी आपको क्या दिखेगा ये जो हार्मोन है उसका प्रेजेंस दिखेगा और उसी से पता कर पाएंगे कि दैट फीमेल इज प्रेगनेंट और नॉट बट ये वाला जो हार्मोन है वो कब होगा प्रेग्नेंसी के दौरान इनिशियल स्टेजेस में बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्चुरेशन की वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ये प्रेजेंट होगा तो बाद में ये एबसेंट है बाद में वो प्रेजेंट नहीं है बट अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बात करें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो किस लिए यूज होगा अगेन मसल की कॉन्ट्रेक्शन में ये भी यूज होने वाला है और जो सीक्रेट कहाँ से हो रहा था वो सीक्रेट हो रहा था एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद वो किसके लिए हेल्प कर रहा था इन कॉन्ट्रेक्शन के लिए हेल्प कर रहा था जैसे एसी ऑक्सीटोसिन दोनों यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को हेल्प कर रहे थे उसी तरह कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन को हेल्प कर रहा था और ये तीन प्रोसेस हो रहे थे पार्चरेशन के वक्त यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था उसके बाद एब्डोमिनल कॉन्ट्रेक्शन हो रहा था और साथ में ही किसका डायलेशन हो रहा था सर्विक्स का बट ये तीनों प्रोसेस किसके साथ हो रहे थे किसके हेल्प से हो रहे थे ये तीनों हारमोन के हेल्प से मतलब इसका जो मेन हार्मोन है या फिर मेन आंसर है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ऑक्सीटोसिन और इसका रोल यहाँ पे नहीं है मतलब क्या आया अब इसका आंसर क्या क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनिशियट पार्चुरेशन कौन से हार्मोन्स है जो पार्चुरेशन को इनिशिएट करते हैं उसका आंसर है एसीटी एच एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन Got it. इसमें आप हमेशा याद रखिए एसी टी एच ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन कब आएगा ड्यूरिन पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन आपको बाकी कभी नहीं दिखेगा रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के वक्त बट वो आपको मेन करके कहा नजर आएगा पार्चुरेशन के वक्त ऑक्सीटोसिन का रोल है ही है उसके साथ एसी का भी रोल है ही है और बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन तीनों को आप पिटपैट करके रखिए अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए अब यहां पे के बारे में पूछा गया है क्या वन ऑफ सीक्रेट द हार्मोन ये सारे क्या है सेल्स है बट इसमें से एक ऐसा सेल है जो हार्मोन सीक्रेट करता है आपको ये बात पता है हर एक सेल कुछ ना कुछ तो सीक्रेट करता ही है तो यहां पे हमें ऐसे ढूंढना है कि इसमें से कौन सा सेल है जो हार्मोन को सिक्रिट करेगा तो हार्मोन को कौन सा सेल यहां पे सीक्रेट करेगा देखिए सरटोली है वो तो हार्मोन नहीं सीक्रेट करने वाला स्पर्मेटोसाइट नहीं करने वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी नहीं करेगा बट कौन करेगा सेल्स ऑफ लेडिक्स सेल्स ऑफ लेडिक्स है वो हार्मोन सीक्रिट करने में क्या करेंगे मदद करेंगे और बाद में अगेन इसका आंसर फिर क्या आएगा सेल्स ऑफ लेडिग्स ओके अब नेक्स्ट देखते हैं द ग्लाइको प्रोटीन अब देखिए क्वेश्चन द ग्लाइको प्रोटीन फर्टिलाइजिंग इज सिक्रेटेड बाय देखिए यहां पे क्या किया है पूछना बस फर्टिलाइजिंग कौन सीक्रेट करता है इतना ही पूछना है बट ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें क्या ग्लाइको प्रोटीन मतलब फर्टिलाइजिन किससे बना है ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, है. इसलिए उसे डाल दिया है क्योंकि अब यहाँ पे बच्चों का अगेन कंफ्यूजन हो जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन किससे सीक्रेट होगा ये पूछा है बट नहीं यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए द ग्लाइको प्रोटीन फर्टिलाइजिन फर्टिलाइजिन किससे बना है ग्लाइको प्रोटीन से उसे किसने सिक्रिट किया है या फिर कौन उसे सिक्रिट कर रहा है ये देखना है हमें देखिए अब ग्लाइकोप्रोटीन जो फर्टिलाइजिन है उसे सीक्रिट कौन करेगा कौन करेगा स्पर्म तो नहीं सीक्रेट करेगा नॉर्मली देखिए हमने क्या देखा था फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन उसमें फर्टिलाइजिंग हमेशा किसके पास होता है हमेशा फर्टिलाइजिंग किसके पास होता है ओवम के पास ओवम के पास हमेशा फर्टिलाइजिंग होता है और स्पर्म के पास एंटी फर्टिलाइजिंग होता है और उस वजह से क्या होता है वो इट इज अ डिटेक्शन वो डिटेक्शन के लिए होता है ये सारा फर्टिलाइजर एंटी जो रियक्शन है, वो वो है, है तो फर्टिलाइज स्पोम के पास होता है इसलिए इसका राइट right आंसर है ओवम क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है स्पोम भी नहीं है इसका आंसर क्योंकि स्पोम के पास तो एंटी फर्टिलाइजर है और टेस्टीज और ओवरी जो है उनके पास क्या है ये सारे क्या है ये गैमेट्स है ओके okay? या फिर इसे हम क्या बोलेंगे गैमेट्स नहीं है ये दोनों भी क्या है टेस्टिस और ओवरिज ये गोनेड्स है और ये वाली जो है ये गैमेट्स है गोनेड्स के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे हमें बात करनी है गैमेट्स के बारे में और गैमेट्स के पास ये सारा कुछ होगा बट यहाँ पे फीमेल गैमेट है उसके पास है फर्टिलाइजिंग और मेल गैमेट के पास क्या है एंटी फर्टिलाइजिंग इसीलिए अब ये दोनों भी नहीं आएंगे क्योंकि यहां पे कोई रोल ही नहीं है इसका अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ फिर ओबॉम अब देखते हैं आगे इक्टोडम गिव राइज टू इक्टोडम मतलब कौन सी आउटर मोस्ट लेयर जो एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है उस वक्त जो प्रोड्यूस होती है सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होती है थ्री जर्मलेयर्स एक्टोडम एंडोडम एंडम उसमें से एक है एंडोडम नॉट एंडोडम तो ये जो है इससे क्या क्या बनेगा आगे फ्यूचर में जाके एक्टोडम क्या क्या बनाने वाला है अब देखिए एक्टोडम क्या क्या बनाता है देखिए एक्टोडम है और अगर हम सबसे पहले बात करें हार्ट की तो हार्ट वाला जो है वो मिजोडम से बन बनने वाला है तो ये वाला नहीं आएगा अगेन ये वाला भी नहीं आएगा मेड्यूला थायराइड ये भी अगेन मिजोडम से बनेंगे टंग रेटिना ये सारे अगेन किससे बनने वाले हैं इंडोडम से बनेंगे तो एक्टोडर्म में जो भी एक्टोडर्मल पार्ट में आएंगे वो सारे एक्टोडर्म से बनेंगे तो वो कौन से कौन से देखिए ये भी नहीं बनने वाला इनेमल ऑफ टिथ एक्टोडर्मल पार्ट है दिखेगा हमें वो उसके बाद आएगा नेल्स अगेन एक्टोडर्मल पार्ट है वी कैन सी इट बाय ओनिखेडाइस उसके बाद एड्रेनल मेडुला ये तो ओनिखेडाइस से नहीं दिखेगा बट वो इंटरनल पोर्शन है और साथ में हेयर्स, मतलब यहाँ पे जो भी कुछ चीजें हैं ये कैसी है एक्सटर्नली लोकेटेड है और वो किससे बनी है एक्टोडर्म से बनी है, है। इसीलिए इसका राइट right आंसर है नेल्स, और हेयर्स ये सारे किससे बनते हैं एक्टोडम से इसीलिए एक्टोडम गिव राइस टू ऑल दिस थिंग्स ऑल दिस ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखिए ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन के दौरान द ओवरी रिलीजेस ओवरीज़ ने क्या रिलीज किया है ओवुलेशन के दौरान ओवरिज ने क्या रिलीज किया अब देखिए अगेन ओवरिज जो है वो रिलीज क्या क्या करती है ओवरिज हम क्या बोलेंगे ओवरिज को अगेन गोनेड्स बोलेंगे टेस्टिस और ओवरिज को तो वो रिलीज क्या करने वाली है सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ओसाइट को तो वो रिलीज करेंगी नहीं ओके okay? उसके बाद अगेन ओगोनिया को भी रिलीज नहीं करने वाली है क्योंकि यहां पे ओवुलेशन का प्रोसेस हो रहा है ऊगोनिया कब रिलीज होने वाला है जब गैमेटोजिनेसिस का प्रोसेस होगा तब हम उगुनिया बारे के बारे में बात करेंगे या उड़ के बारे में बात करेंगे इसलिए यहां पर यह दोनों भी नहीं आएंगे क्योंकि हमें प्रोसेस कौन सा देखना है ओवुलेशन का देखना है हमें स्पर्मेटोजिनेसिस या फिर गैमेटोजिनेसिस का प्रोसेस नहीं देखना है या उजिनेसिस ऊजनेसिस के वक्त ऊगोनिया या उड़ आएंगे बट यहाँ पे ओजेनेसिस के बारे में नहीं पूछा है ओव्यूलेशन के बारे में पूछा है देखिए अब यहाँ पे फिर ओव्यूलेशन के प्रोसेस के वक्त आपको प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट दिखेंगे बट प्राइमरी ओसाइट रिलीज नहीं होने वाला वो ओवर इससे निकल के नहीं आएगा तो निकल के कौन सा आएगा सेकेंडरी ओसाइट इसलिए इसका आंसर है सेकेंडरी ओसाइट देखिए अब मोर्यूला फॉर्मड एट द एंड क्लीवेज में क्या हो रहा था? Cleavage में सेल डिवीजन हो रहा था एक सेल के दो दो का चार चार के आठ आठ के सोला, सोला के थर्टी टू ऐसे सेल्स के क्या हो रहे थे डिविजन हो रहे थे तो मोर्यूला स्टेज में आके क्लीवेज होगा या फिर क्लीवेज के हेल्प से मोरिला स्टेज में वो सेल या वो एम्ब्रियो आएगा तो वहां पे उसके अंदर एक्चुअल कितने सेल्स होने वाले हैं ओके मोरियोला फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ क्लीवेज क्लीवेज जब खत्म हो जाएगा तो मोरियोला फॉर्म होगा उस मोरियोला के अंदर उस दौरान कितने सेल्स होंगे तो देखिए सबसे पहले देखते हैं जब हमने ये प्रोसेस पढ़ा तब हमने कहीं पे भी अठारह सेल की बात नहीं की उसके बाद हमने कहीं पे चौदह सेल की भी बात नहीं की ओके okay? उसके बाद क्योंकि क्या हुआ है अगेन हमने क्या देखा हमने देखा टू का फोर फोर का एट एट का सिक्सटीन और सिक्सटीन का थर्टी टू ऐसे देखा है हमने डबल 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 और इवन नंबर्स में अगेन ये वाला आएगा उसमें नहीं आएगा कहीं पे हमने अठारह भी सुना नहीं सोलह भी चौदह भी नहीं सुना और बीस भी नहीं सुना तो फिर कौन सा आएगा राइट आंसर सिक्सटीन देखिए यहां पे. 16 पे उसे हम क्या बोलते हैं मोरियुला बोलते हैं जो क्लीवेज वहां पे एंड होता है वहां पे है अब आगे देखिए अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है किसका हुआ है ऑफ यूटेराइन वॉल का अब यहाँ पे आपको फोकस करना है यूटेराइन वॉल और मस्क्यूलर कॉन्ट्रेक्शन पे यूटेराइन वॉल का फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किस वक्त होता है किसी के बॉडी में यूटेराइन यूटेरस अब यूटेरस की बात कर रहे हैं मतलब वो फीमेल की बॉडी हुई और वहां पे क्या होगा यूटेराइन वॉल में फोर्सफुल मस्क्यूलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है वो किस वक्त होगा कौन से प्रोसेस में होगा इसमें से देखिए मिक्सचरेशन अब ये वाला तो होगा किसमें एक्सक्रिटरी सिस्टम में होगा अगर ये एक्सक्रिटरी सिस्टम में है तो मिक्सचरेशन का प्रोसेस आएगा ही नहीं इम्प्लांटेशन देखिए अब इम्प्लांटेशन लैक्टेशन और पार्चुरेशन तीनों भी प्रोसेसेस फीमेल के बॉडी में हो रहे हैं बट अब इम्प्लांटेशन के वक्त मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होगा यूटराइन वॉल का नहीं होगा क्योंकि अगर उस वक्त मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो क्या इम्प्लांटेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसीलिए इम्प्लांटेशन में भी नहीं होगा बस यही है यूटेरस का रोल कि थ्रू द दूटेरस बेबी इज एक्सपेल्ड आउट और उसके बाद ही लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इसीलिए यहाँ पे लैक्टेशन का भी कोई रोल नहीं है और लैक्टेशन के दौरान भी यूटेरस uh, में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाले तो कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे एट द स्टेज ऑफ पार्चुरेशन पार्चुरेशन का मतलब क्या है गिविंग बर्थ और जब एक फीटस को यूटेरस से बाहर आना है उस वक्त क्या होता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कौन से हार्मोन से होते हैं जो हमने अभी देखा कौन से एसीटीएच कॉर्टिकोस्टेरॉइड और ऑक्सीटोसिन वो तीनों हार्मोन्स मिलके हेल्प करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कि उसका रिजल्ट होता है पार्चुरेशन गिविंग बर्थ टू अ बेबी अब आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अब इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है देखिए फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन वूम ओके okay, उसके बाद क्रोमोजोम्स जाइगोट में कैसे है, of होते है में of नहीं होते क्योंकि मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस इन दोनों का क्या होगा हेप्लॉइड हैप्लॉयड दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और बाद में क्या मिलेगा एक 2n वाला मिलेगा है जो ओके okay? तो है? है, नहीं उसके पास डिप्लॉइड इन यूटेरस में होगा यूटेरस में जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूम का क्या वो यूटेरस में होगा नहीं होगा क्योंकि हमने क्या देखा था हमने ये जो पार्ट है बस इतना पार्ट ये वाला पार्ट था ये था यूटेरस ओके और ये बाजू वाला था ये वाला था फेलोपियन ट्यूब और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहां पे हो रहा है इस फेलोपियन ट्यूब में यहां पे होगा फर्टिलाइजेशन और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब तो क्या ये यूटेरस है नहीं क्योंकि इतना ही पार्ट क्या था ये वाला जो पार्ट था, ये था ये यूटेरस और इसके साइड वाला पार्ट है फैलोपियन ट्यूब और उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होने वाला है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा इसलिए ये वाला भी करेक्ट नहीं है सेकंड वाला हमने देख लिया कि डिप्लॉयड होता है जायकोट हमेशा अब देखिए प्राइमरी उन्बिट द प्रोसेस ऑफ उजिस उसे प्रोसेस है उसे कौन इनहिबिट करेगा प्राइमरी उन्हीबिट नहीं करेगा इसलिए ये भी नहीं है और आगे यह है राइट आंसर बट ये क्यों है वो देखते हैं राइट आंसर फर्टिलाइजेशन मेमरे पॉलिस फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है जो किसके ऊपर होती है एग की जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है यह है एग की वाइटेलाइन एग की वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन एक की वाइटलाइन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन और ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये कहाँ पे हेल्प करती है अवॉइड्स पॉलिस्पर्मी जैसे ही पहला स्पर्म आके कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं जैसे ही पहला स्पर्म आके इसे स्टक होता है उसके बाद ये वाली जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो कैसे बन जाती है हार्ड बन जाती है और वो बाकी के जितने भी स्पर्म इस पर रिलाय uh, कर रहे हैं रुके हुए हैं उन सबको क्या कर देती है डायरेक्ट फेंक देती है बाहर ऐसे है ना वो ऐसे कर देती है डायरेक्टली वो स्वेल हो जाती है और सबको ऐसे फेंक देती है बाहर इसीलिए क्या है इसका आंसर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड्स स्पोलि अब नेक्स्ट देखते हैं द स्पर्मैटो देखिए अब किसके बारे में बात हो स्पर्मेटोजुआ मतलब स्पर्म द स्पर्मेटो नॉट इजैक्यूलेटेड जो इजैक्यूलेट नहीं हुआ है उन्हें कहाँ पे यूज होता है या फिर आगे उनका होता क्या है आर रीएब्जॉर्ब इन उन्हें वापस रीएब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ पे किया जाता है देखिए अब अगेन स्पर्मेटोजुआ जो है उन्हें कहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे इसका भी स्ट्रेट आंसर है देखिए यहाँ पे यूरेथ्रा तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये इसका पार्ट ही नहीं है उसके बाद अगेन इजेक्यूलेटरी डक्ट में भी नहीं आएगा ओके अगेन हमें कंफ्यूजन हुआ वासा डिफरेंस और वासा इफरेंस में तो यहां पे अब क्या आएगा वासा डिफरेंस right वासा डिफरेंस राइट आंसर आंसर इफरेंस जब भी जो स्पर्मा हुआ है वो इजाक्यूलेट नहीं हुए हैं वो बाहर नहीं आए हैं उन्हें रि कौन करता है वासा डिफरेंस ओके okay? अब देखते हैं आगे द प्रोसेस बायविच प्राइमरी जर्मिनल लेयर प्राइमरी जर्मिनल लेयर यहाँ पे हमें फोकस करना है जर्मिनल लेयर के ऊपर और जो कैसे है प्राइमरी है आर फॉर्म्ड द प्रोसेस बायविच मतलब प्राइमरी जर्मिनल लेयर कौन से प्रोसेस से फॉर्म होती है ये यह हमें यहाँ पे फाइंड करना है अब कौन सा प्रोसेस है जिससे प्राइमरी जर्म लेयर फॉर्म होती है देखो अभी यहाँ पे अगेन इम्प्लांटेशन के वक्त तो जर्म लेयर है ही नहीं और क्लीवेज के वक्त भी जर्म लेयर है ही नहीं इसलिए ये दोनों तो यहीं पे कट हो जाते हैं अब इन दोनों में हमें क्या है कंफ्यूजन है प्लास्टूला में होती है या गैस्ट्र में होती है तो किस में होती है किस में होती है प्लास्टूलेशन के वक्त भी नहीं होगी क्योंकि तो ब्लास्टुलेशन के वक्त तो अगेन क्या होगा कि जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होने वाली है प्लास्टुलेन के वक्त बट एक जर्म लेयर या कुछ फॉर्मेशन कब होगा प्लास्टूलेशन के वक्त भी नहीं होगा तो वो होगा गैस्ट्रोला के वक्त गैस्ट्रोला के वक्त थ्री जर्म लेयर्स फॉर्म होती है कौन सी एक्टो एंडो और मीजोडर्म इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे गैस्ट्रोलेशन गैस्ट्रोलेशन के वक्त ये प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म्ड अब देखते हैं आगे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू hmm. फॉर्मेशन ऑफ जिम्यूल ऑकर्सिन देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ओके okay. कैसे होता है बाय जिम्यूल फॉर्मेशन तो वो किस में होगा ये हमने इलेवंथ में पढ़ा था इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये किस में 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 आपको दिखेगा दिखेगा हाइड्रा हाइड्रा भी भी नहीं बर्डिंग है प्लेनेरिया में भी वही दिख रहा है आपको Acidians में भी नहीं दिखेगा तो इसका राइट right आंसर है स्पॉन्जिला स्पॉन्जिला में आपको क्या दिखेगा जिम्यूल फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा क्योंकि स्पॉन्जिला में जो मदर स्पॉन्जिला है वो क्या करेगी शी विल गिव आउट जिम्यूल्स स्पोर्स के जैसे है और वो जो जम्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं दे आर एबल टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन में भी वो जिंदा रह पाते हैं इसीलिए क्या होता है यहाँ पे स्पॉन्जिला में जम्यूल्स के थ्रू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है अब देखिए आगे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज इन्वॉल्व्स अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है अब यहाँ पे कौन से चेंजेस होने वाले हैं? अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या वाइटलाइन मेम्ब्रेन फॉर्म होगी फॉर्मेशन ऑफ वाइटिलाइन मेम्ब्रेन नहीं होगी उसके बाद इनहिबिशन ऑफ मियोसिस टू होगा इसके बाद नहीं होगा उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रियोल इन दी ओवम फर्टिलाइजेशन के वक्त ही इंट्रोडक्शन होता है सेंट्रियोल का ओवम के अंदर तो उसके बाद तो नहीं होने वाला मतलब इसका राइट right आंसर है हैप्लॉइड गैमेटिक मैचुरेशन, यहाँ पे जो हैप्लॉइड गैमेट है उसका मैचुरेशन होगा कब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा हेप्लॉयड गैमेटिक मैचूरेशन अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट अन एक्सियल फिलामेंट कौन सी फिलामेंट है एक्सियल फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट अगर बात करेंगे तो वो कहां पे होगी किसी भी टेल रीजन में ही होगी अन एक्सियल फिलामेंट इन टेल ऑफ स्पर्म ओके एक्सियल फिलामेंट इन दिस टेल ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड वो मॉड किसका मॉडिफिकेशन है जिसे हम जिससे एक्जियल फिलामेंट बनी है या फिर हम नॉर्मल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं एकदम सिंपली कि जो टेल है वो किसका मॉडिफिकेशन है टेल किस ऑर्गेनेली का मॉडिफिकेशन है तो देखिए अगेन यहाँ पे अगर हम बोले गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी टेल नहीं बनेगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से भी टेल नहीं बनेगी क्योंकि ये दोनों उसके अंदर है ही नहीं तो पार्ट किसका आता है सेंट्रियोल का सेंट्रियोल से टेल बनेगी बट अगेन अब हमें कन्फ्यूजन uh, होगा डिस्टल सेंट्रियोल से बनेगी या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से बनेगी तो देखिए यहाँ पे क्या होगा प्रॉक्सिमल यानी लास्ट वाला यहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होने वाली है लास्ट वाले सेंट्रियोल से टेल फॉर्मेशन होगा ना कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से डिस्टल से क्या फॉर्म होगा टेल फॉर्म होगी स्पर्म की ना कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से तो यहाँ तक हमने क्या किया कंप्लीट किए इतने एम और अब टेन एम हमने यहाँ पे क्या किए हैं कंप्लीट किए हैं फिफ्टीन एम सी क्यूज़ नॉट टेन फिफ्टीन एम सी क्यूज़ हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं तो हो सकता है ये आपको अब आने वाली सिक्सटीन जुलाई या फिर आपकी सी डी के एग्ज़ाम है निट के एग्ज़ाम है उस वक्त आपको ये नॉट सिक्सटीन जुलाई हो सकता है अब ये वाला जो हमने अब सॉल्व किया है वो आपको यूज़ हो नेट या सी के एग्ज़ाम में ओके नेक्स्ट में हम अगेन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एम सी क्यूज लेके आएंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए हैव अ नाइस डे स्टडी हार्ड बाय